ओके इस लेक्चर में या इस वीडियो में हम देखेंगे हमने जो है स्लाइडर कैसे ऐड करना है अपनी वेबसाइट या अपनी पोस्ट पे। तो वो हम आ जाते हैं अपनी यहाँ पे पोस्ट पे, यहाँ पे हम उसका नाम लग देते हैं स्लाइडर बॉक्स। ठीक है, स्लाइडर के लिए यहाँ पे आ जाओ, ये हमें यहाँ पे जो है यहाँ से ये कंटेंट स्लाइड शो आपको शो कर रहा है। ठीक है, इसे आपने ऐड करना है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये यहाँ पे उसने कोडिंग कर दिया। इसमें यहाँ पे करा योर कंटेंट, यहाँ पे हमने अपने कंटेंट ऐड करने हैं। मैं यहाँ पे वीडियोस ऐड कर देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करता हूँ, यहाँ पे भी कंट्रोल वी, यहाँ पे भी। ठीक है, अब ये कोड कहाँ से लिया है, हम यहाँ पे आ जाए अपनी वीडियो में, यहाँ पे एम्बेड कोड, ये देखें यहाँ पे शेयर का बटन होता है, उसको आपने क्लिक करना होता है और ये, ठीक है, और उसके बाद ये आपको एम्बेड कोड दे देगा। एम्बेड कोड आपने कॉपी कर लेना यहाँ से, देखें जब शेयर पे क्लिक करेंगे तो ये आएगा, उसके बाद आपने एम्बेड पे क्लिक करना। ठीक है, एम्बेड पे क्लिक करने के बाद उसको कॉपी कर लेना और यहाँ पे पेस्ट कर देना टेक्स्ट में आके। मैं इसको पब्लिश करता हूँ यहाँ से। ठीक है, पब्लिश करने के बाद मैं अपनी पोस्ट को यहाँ से व्यू कर लेता हूँ। अच्छा, व्यू करने के बाद यहाँ पे देखें मैं नीचे जो है स्लाइड शो शो हो रहा है नीचे, जो कह वो कह रहा है स्लाइड वन। अब मैं इसको अगर नेक्स्ट करूँगा तो ये हमें स्लाइड टू शो कर देगा, मैं फिर नेक्स्ट करूँगा तो थ्री वाली स्लाइड जो शो करेगा। इस तरह आप जो स्लाइड शो ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आप अपनी जो है पिक्चर भी ऐड कर सकते हो। मैं अगर पिक्चर ऐड करके आपको दिखा दूँ यहाँ पे, यहाँ पे हम एक और स्लाइड शो ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने अपने कंटेंट ऐड करने हैं। मैं यहाँ से ऐड मीडिया करता हूँ, हमारे पास पिक्चर एक अपलोडेड है, हम उसी को जो है यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे पिक्चर शो होती है तो हम उसको अटैच कर लेंगे। ठीक है, तो ये पिक्चर है, इसको हमने इंसर्ट पिक्चर कर दी। ठीक है, अब नेक्स्ट कोई और पिक्चर ऐड करनी है तो मैं यहाँ से ऐड मीडिया करता हूँ और यहाँ से अपलोड कर लेते हैं, हम यहाँ से कोई भी पिक्चर और अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं कर लेता हूँ, फर्ज करें ये वाली वीडियो में पिक्चर अपलोड करता हूँ। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से इंसर्ट कर देता हूँ और उसके बाद हमने तीसरी पिक्चर भी अपलोड करनी है तो उसको करेंगे, और वो कहाँ से करेंगे, सेम ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे किया। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ऐड मीडिया करता हूँ। ठीक है, यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ कोई और पिक्चर, मैं यहाँ से ये पिक्चर मैं करता हूँ। ठीक है ठीक है, उसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे तीनों पिक्चर्स जो हमारे पास इंसर्ट हो गई हैं, मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ अपनी जो है पोस्ट को अपडेट। ठीक है, अपडेट करने के बाद अभी यहाँ पे इसको हम करेंगे रिफ्रेश। इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो रिफ्रेश करने के बाद सेकंड स्लाइडर भी हमें ये देखिए नीचे छोड़ा है मैंने।